हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये राउंड शेप कलियों वाली डिज़ाइन की डोरमेट बनाना बताऊंगी। इसे मैं आज आपको 34 फंदे से बनाना बता रही हूँ। 34 फंदे में ये काफ़ी बड़ा बनकर तैयार हो जाएगा अगर आप इसे पुरानी चुन्नी या साड़ी से बनाएंगे तो। आप जो ये डिज़ाइन देख रहे हैं इसे मैं पुराने ऊन से बनाई हूँ और ये मीडियम साइज कर बनकर तैयार हो गया है। ये डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ईजी स्टेप्स के साथ बना हुआ है। इस वीडियो को अंत तक देख करके आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन से आप थाला, पोस्ट, टेबल में डोरमेट कुछ भी आप अपने अनुसार बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे बना हुआ है। इस डिज़ाइन को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कैसे बना हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फंदे लेंगे। तो ऊन को इस तरह से ट्रिपल कर लिए हैं। अब इसी तरह से हम लोग फंदे ले लेते हैं। तो 34 फंदा हम लोग ले लेते हैं। इस तरह से नॉट लेंगे और इसमें कांटे में फंसाते हुए 34 फंदा हम लोग ले लेते हैं। देखिए, इसमें 34 फंदा ले लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक बार यहाँ से बिनते हुए यहाँ पे चले जाएंगे। ये हमारा उल्टा साइड बनने वाला है। इस तरह से एक पहले फंदे को उठा लेंगे और बाकी फंदे को इस तरह से उल्टा उल्टा बिनते जाएंगे। तो इसे अंत तक बिन लेते हैं। ये देखिए, बिनते हुए इसके अंत में आ गए हैं। अंत के सारे ही फंदे हम लोग इसमें बिन लेंगे। ये हमारा सीधा साइड बनने वाला है। इस साइड से भी हम लोग को उल्टा उल्टा बिनते जाना है और अंत में यहाँ दो फंदा बिना बुने छोड़ना है। तो यहाँ तक बिन लेते हैं हम लोग। इधर से भी उल्टा उल्टा ही बिनना है हम लोग को। ये देखिए, बिनते हुए इसके ऊपरी साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पे दो फंदा हम लोग बिना बुने छोड़ देंगे। धागा यहीं से पलट लेंगे, इन दोनों को छोड़ देना है। देखिए इस तरह से। अब इस साइड से भी फिर से उल्टा उल्टा बिनते जाना है और इधर से भी दो फंदा बिना बुने छोड़ना है। तो यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए, बिनते हुए इसके निचले साइड में आ गए हैं। यहाँ से भी दो फंदा बिना बुने छोड़ देते हैं। ये देखिए, इन दोनों को छोड़ देते हैं, यहीं से धागा पलट लेते हैं। अब इस बार सीधी साइड से यहाँ पे इस बार सबको बिनते जाएंगे और इस बार चार फंदा छोड़ना है। तो दो पहले छोड़े फिर दो छोड़ना है। यहाँ तक बिन लेते हैं। देखिए, ये देखिए, फिर से बिनते हुए इसके ऊपरी साइड में आ गए हैं। यहाँ पे इन चारों को छोड़ देंगे, धागा पलट लेते हैं। इसी तरह से फिर से इधर से भी ये चार फंदा छोड़ देंगे। इसी तरह से दोनों साइड से दो फंदा इधर से, दो फंदा इधर से छोड़ते जाएंगे, अंत में जब तक दो फंदा ना रह जाए। तो पहले हम लोग इसी तरह से कुछ देर बिन लेते हैं, उसके बाद अंत का कैसे आएगा वो मैं बता दूँगी। देखिए, बिनते हुए यहाँ तक बिन लिए हैं। अंत में यहाँ पे अभी देखिए छः फंदा तक बिने हैं। अंत में यहाँ पे दो फंदा तक कैसे आएगा ये मैं अभी बता रही हूँ। तो देखिए, अभी हमारा धागा यहाँ पर है, ये देखिए। यहाँ से फिर अब हम लोग चार फंदा बिनेंगे और इस साइड से दो फंदा फिर से बिना बुने छोड़ देंगे। ये देखिए, ये चारों को बिने, यहाँ पर दोनों को छोड़ देते हैं, इसे धागा को पलट देते हैं। इस साइड से भी फिर से दो फंदा बिनेंगे। देखिए, इन दोनों को बिन लेते हैं, इन दोनों को छोड़ देंगे। यहीं से धागा को पलट लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इस साइड में हमारा ये 16 फंदा
है, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दो बारह, दो चौदह, दो सोलह, और इस साइड में हमारा ये अभी 18 फंदा है, क्योंकि जो दो फंदा है अभी हम लोग उसे बिने नहीं है। तो इस साइड के जो 18 फंदे उनको सबको बिनते हुए इसके ऊपरी साइड में चले जाएंगे। ये देखिए बिनते हुए इसके ऊपरी साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा कलर लगाएंगे। ये जो इसका ऊपरी साइड है, ये डोरमेट का ये ऊपरी साइड ये वाला है, बाहरी साइड जो निकला हुआ कली का वो साइड बन रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये रेड कलर लगा लेंगे। ये हमारा पुराना धागा है तो इसे यहाँ पे हम लोग कट कर लेंगे। हर देखिए इस तरह से अलग अलग कली है तो अलग अलग कली बनाने के लिए कलर को कट करना पड़ेगा यहाँ पे हम लोग को। यहाँ पे हम लोग रेड कलर लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये जो रेड कलर का धागा है ये कंटिन्यू रहेगा हर कली में, लेकिन जो कली वाला है उसे हर बार चेंज करना पड़ेगा। देखिए जैसा कि इसमें है। अब यहाँ से हम लोग ये 17 फंदे बिन लेते हैं और ये जो ब्लू वाला धागा है उसे इस तरह से छुपाते हुए बिनते जाएंगे। ऐसा हर बार ही करना होगा तभी इस डोरमेट में फिनिशिंग आएगी, क्योंकि हम लोग इसमें कली को अलग अलग रंग से बना रहे हैं इसलिए। तो इस तरह से पहले हम लोग यहाँ पे 17 फंदे बिन लेते हैं। हम लोग का इधर 18 फंदा था लेकिन सिर्फ 17 फंदे ही हम लोग को यहाँ पर बिनना है। देखिए इस तरह से बीच में जाके यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं ये दो, ये 17वां फंदा हम लोग बिन लेंगे और यहाँ ये जो एक फंदा है उसे छोड़ देंगे। तो इस तरह से दोनों ही साइड हम लोग का 17-17 फंदा हो गया है। इसके उल्टे साइड से भी बिनते हुए इसके ऊपरी साइड में चले जाएंगे। ये देखिए बिनते हुए इसके ऊपरी साइड में आ गए हैं। अब ये जो रेड वाला पोर्शन है वो बनाना है। तो यहाँ से हम लोग अब दो दो फंदा करके छोड़ते जाएंगे। तो देखिए यहाँ तक बिन लेते हैं। सबसे पहले पहले फंदे को इस तरह से उठा लिया करेंगे जिससे चैन जैसा बनता जाएगा, और फिर बाकी को उल्टा उल्टा बिनते जाएंगे। ये देखिए बिनते अंत में आ गए हैं। यहाँ से ये दो फंदा बिना बुने छोड़ना है। इन दोनों को छोड़ देते हैं, यहीं से धागा पलट लेते हैं। उल्टे सॉरी सीधे साइड से भी बिनते हुए ऊपरी साइड में चले जाएंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है, सिर्फ दो दो फंदा इसमें छोड़ना है। ये देखिए आगे इसके ऊपरी साइड में फिर से बिनते हुए जाएंगे, फिर से वहाँ पे दो फंदा छोड़ेंगे, चले जाते हैं उस तरफ। देखिए इन दोनों को छोड़ना है, यहाँ तक बिन लेते हैं। इसी तरह से दो दो फंदा छोड़ते हुए इसके ऊपरी साइड में छोड़ देते हैं, जैसा कि इस डिज़ाइन में किया गया है। देखिए ये देखिए अंत में जब यहाँ पे तीन फंदा रह जाएगा तब तक कर लेते हैं ऐसे ही, इस एकदम ऊपर तक इसे छोड़ लेते हैं। ये देखिए दो दो फंदा छोड़ते हुए इसके ऊपरी साइड में चले आए हैं। अब यहाँ से देखिए एक बार बिनते हुए यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे और फिर वापस बिनते हुए यहाँ ऊपरी साइड में आ जाएंगे। ये देखिए मिडिल में आ गए। ये देखिए बिनते हुए मिडिल में आ गए, यहीं से धागा को पलट देते हैं। इधर से भी बिनते हुए ऊपरी साइड में चले जाएंगे। देखिए बिनते हुए फिर से इसके ऊपरी साइड में आ गए हैं। फिर से सेम करेंगे, फिर से जैसा ये वाला बनाया है एक बार और बनाना है। देखिए दो बार इस तरह से फंदा छोड़ते हुए ये कली को बनाना है। तो फिर से बिनते हुए जाएंगे और यहाँ पे दो फंदा बिना बुने छोड़ेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक पहले बिन लेते हैं।
ये देखिए बिनते हुए आ गए। यहाँ पे दो फंदा छोड़ देते हैं, यहीं से धागा को पलट लेते हैं, सीधी साइड से भी बिन लेते हैं, ऊपरी साइड चले जाते हैं। ये देखिए आ गए। इसी तरह से दो दो फंदा छोड़ते हुए फिर से इसके ऊपरी साइड तक छोड़ लेते हैं, इतना कर लेते हैं। ये देखिए फिर से आ गए ऊपरी साइड में। अब यहाँ से देखिए एक बार यहाँ से बिनते हुए एकदम अंत तक बिनना है रेड कलर से, तो कर लेते हैं इसे। ये देखिए बिनते हुए जब हम लोग मिडल में आएंगे तो यहाँ काफ़ी गैप है, तो इसे भरने के लिए यहाँ बीच में से कोई भी एक फंदा उठा लेंगे और दोनों को साथ में लेकर के बिन देंगे, जिससे गैप भी भरा जाएगा और फंदा भी नहीं बढ़ेगा। देखिए इस तरह से फिर से बाकियों को ये बिनना शुरू करेंगे एकदम अंत तक। ये देखिए इसके अंत में आ गए हैं, इन सबको ही बिन लेते हैं, यहीं से धागा पलट लेते हैं, सीधी साइड से भी एक बार बिनते हुए यहाँ से यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए इसके ऊपरी साइड में आ गए हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए इस तरह से इसकी पहली कली कंप्लीट हो गई है। अब सेम यहाँ पे हम लोग दूसरी कली को शुरुआत करेंगे, यहाँ से हम लोग दूसरा कलर लगा लेंगे। ब्लू कलर तो हम लोग वहाँ कट कर दिए थे, अब ये जो नया कलर है इसे यहाँ ऐड करेंगे इस तरह से, इस तरह से। और ये जो धागा है उसे हम लोग छुपाते हुए बिनते जाएंगे हर बार इस तरह से। ये हमारा कंटिन्यू रहेगा रेड वाला, और जो नया कली वाला धागा है उसे छुपाते हुए बिनते जाएंगे इस तरह से। इसे एकदम अंत तक बिन लेते हैं इसी तरह से यहाँ तक। ये देखिए बिनते हुए इसके अंत में आ गए हैं मिडल में। पहले यहाँ तक बिन लेते हैं जैसा हम लोग पहला लाइन बनाए थे, बिल्कुल वैसे ही। ये जब उल्टा साइड में हम लोग बनाएंगे तो सारे फंदे बिन लेंगे, जब सीधा साइड से हम लोग फंदा छोड़ना शुरू करेंगे जैसा कि इसमें किए थे। देखिए यहाँ पे सीधा साइड में दो फंदा छोड़े थे, उसी तरह सेम इसी तरह यहाँ से आएंगे और यहाँ पे दो फंदा बिना बुने छोड़ेंगे। तो यहाँ तक बिन लेते हैं पहले, जैसा पहला कली हम लोग बनाए थे बिल्कुल वैसे ही बिनेंगे। ये देखिए बिनते हुए इसके ऊपरी साइड में आ गए हैं यहाँ पे। ये दो फंदा हम लोग को बिना बुने छोड़ना है, इन दोनों को छोड़ देते हैं, यहीं से धागा पलट देते हैं। देखिए इस तरफ से छोड़े, इस तरफ से भी छोड़ेंगे जैसा कि इसमें किए थे उसी तरह से इसमें करेंगे। तो इसी तरह से इसकी सारी कली को कंप्लीट कर लेना है, जैसा फिर ये रेड वाला कलर का कली बना है वैसे ही बाकियों में भी बना देनी है। तो सेम प्रोसेस के साथ इसे कंप्लीट कर लेना है जैसा कि इसमें है, बिल्कुल वैसे ही।